अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, जा रहे हैं, खुश रहें। ओके जी, आज का मेरा टॉपिक है कि मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊं। अक्सर लोग कहते हैं कि आप स्किन कैसे फ्रेश रखी जा सकती है एक्सरसाइजेस के दौरान, कि वेट भी कम हो और हमारी स्किन भी फ्रेश रहे। तो आज मैं आपको 17 ऐसे फूड्स बताऊंगी, 17 ऐसे फूड बताऊंगी जिनको जिनका इंटेक करके आप अपनी स्किन को फ्रेश भी कर सकते हैं और अपनी बॉडी को जो है उसका वेट भी लूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो आप खाते हैं कि बॉडी, आपका फेस, आपकी स्किन उसको रिफ्लेक्ट करती है। आप जो खाते हो वो आपका सारा जो है वो आपकी फेस पे और आपकी बॉडी पे शो होता है। आपकी स्किन अच्छी होगी यानी कि आप अपनी फूड का बहुत ध्यान रखते हैं और जो है वो अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो मैं आपको 17 ऐसे फूड बता रही हूँ जिनको इनटेक करके आप वेट भी लूज़ कर सकते हैं और अपनी स्किन को ग्लोइंग, शाइनी और बगैर पिंपल्स के और साफ़ सुथरी आप इसको रख सकते हैं। क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी लुक पे होता है कि हमारे हम किस तरह दिखते हैं, हम अपनी केयर कैसे करते हैं। तो हम जो खाते हैं तो हमारी स्किन हम वो शो करती है। तो आपको मैं 17 फूड्स, बेस्ट फूड जो आपकी स्किन को ग्लोइंग करेंगे, फ्रेश रखेंगे और अच्छा करेंगे। ओके जी, फर्स्ट है फैटी फिश। अब जो फिशेज हैं, फिश जो है वो किसी भी फॉर्म में, अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो उसे फ्राई करके नहीं खाएं, आप स्टीम करके खाएं। इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं जो आपकी स्किन को ग्लो करेंगे और आपकी स्किन को जो है ड्राई, अक्सर सर्दियों में जो है वो सबसे ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है। तो ये ऐसे मिनरल, ऐसे विटामिन आपके स्किन को प्रोवाइड करते हैं कि आपकी स्किन ड्राई नहीं होती है। आप इसको स्टीम करके, अगर वेट लूज़ करें तो आप इसको स्टीम करके लें। इसमें बहुत सारे मिनरल, विटामिन बी, विटामिन सी, इसमें बहुत सारी यानी कि बहुत सारे जो आपकी बॉडी को, आपके कलर को, आपकी स्किन को ग्लो करने के लिए मिनरल्स और विटामिन चाहिए होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं। तो आप वो भी फिश जो आप पसंद करते हैं, टूना फिश या जो भी फिश आप पसंद करते हैं, आप वो इजीली अपने फूड में इनटेक लें, उसका लें लाजमी। और जब सर्दी है उसमें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो फिश है वो अपने फूड में इनटेक करें, और लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। उसके बाद आपने लेने हैं नट्स। नट्स जो हैं, अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं, आप हैंड जितनी आपकी मुट्ठी है आप उतने नट्स ले सकते हैं। इसमें हर तरह के जो हैं वो मिनरल्स मौजूद होते हैं नट्स में, विटामिन्स होते हैं। उसके बाद आपकी स्किन को ये ग्लो करते हैं। हाँ, अगर आप ज़्यादा करेंगे इनटेक तो ये आपकी स्किन पे पिंपल्स वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो आपने उतना लेना है जितनी आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है, ये जितना आप जो है उसको, आपकी बॉडी जो है उसको बेयर कर सकती है। तो आपने हैंड्स जितने आपकी मुट्ठी है, आप सारे नट्स, उसमें हर चीज़ आ सकती है, चाहे वो नट्स हैं, चाहे वॉलनट हैं, चाहे कुछ भी है, बादाम है, कुछ भी, हर चीज़ को आपने उसमें लेना है। किशमिश है, सब चीज़ें आपने इनटेक करनी है, बट ये कि वो एक मुट्ठी जितनी होनी चाहिए। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं या आपकी स्किन को ग्लो करते हैं और आपको बॉडी को सारे मिनरल्स जो हैं, विटामिन वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है थर्ड जो फूड है वो एवोकाडो। अब अक्सर लोग कहते हैं एवोकाडो में बहुत ज़्यादा मिनरल्स, बहुत ज़्यादा जो है वो फैट मौजूद होता है, बट ऐसा नहीं है। आप अगर इसमें बहुत ज़्यादा फैट मौजूद है, आप उसको थोड़ा मकदार में लें, आप अपनी डाइट में उसको इस तरह से शामिल करें, लेकिन शामिल करें, आप सलाद में उसको ऐड डाल के ऐड कर लें। अगर नहीं तो उसकी डिफरेंट जो है रेसिपीज़ बना के आप उसको इनटेक कर सकते हैं। बट ये है कि इसमें आपकी स्किन को इलास्टिक यानी कि आपकी स्किन को टाइट करता है। जो इसमें कुछ ऐसे विटामिन मौजूद होते हैं जो स्किन को टाइट करने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं। आप एवोकाडो को लें, ये आपकी स्किन को टाइट करने के लिए अच्छा है। और दूसरा, ये वेट लूज़ करने वाले लोग भी इसको इनटेक कर सकते हैं इजीली। और इसके अंदर कुछ ऐसे विटामिन मौजूद होते हैं, जैसे अक्सर वुमेंस हैं वो बाहर काम करती हैं, जिसकी वजह से सन डैमेज हो जाती है और हमारी स्किन जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है। जो हिस्सा हमारा सूरज के सामने आता है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, या सन डैमेज हो जाते हैं, सन टैनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये ऐसे फूड है कि जब आप इसको इनटेक करेंगे, ये ऐसे बॉडी के अंदर ऐसे विटामिन मौजूद करेगा कि आपको जितनी भी सन डैमेज की वजह से हमारी स्किन ख़राब हो जाती है, ये उसको रिकवर करेगा। और जब आप बाहर जाएंगे, ऐसे समझे आपके साथ एक सन ब्लॉक है, वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, वो आपकी स्किन को डैमेज नहीं होने देगा। उसके बाद है फोर, ग्रीन टी। ग्रीन टी तो वैसे ही वेट लूज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और सेकेंडली, इसमें एक मेन जो चीज़ है वो इसलिए है कि ये सन डैमेज से आपकी बॉडी को बचाती है, ग्रीन टी। अगर आप गर्मियों में भी ग्रीन टी लेकर इनटेक करके बाहर जा रहे हैं, तो समझ लें कि आपके साथ आपका सन ब्लॉक जो है वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, जो आपकी स्किन को सन से डैमेज नहीं होने देगा। उसके बाद स्किन की रेडनेस है उसको ये नहीं होने देगा। किसी वजह से किसी को एलर्जी हो जाती है, उसकी स्किन रेड होना शुरू हो जाती है, अगर वो ग्रीन टी इनटेक करेंगे तो ये उसको भी, उस जो प्रॉब्लम है रेडनेस की, वो भी ये ख़त्म करेगा। उसके बाद है आप योगर्ट। योगर्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है जिनके स्किन पे एक्नीज होते हैं,
वो इनका इनटेक ज़्यादा करें, और इसके बाद ये आपके फेस पे जो रेडनेस हो जाती है दानों की वजह से उसको ये ख़त्म करेगा। आप इसको लें, आप अगर वेट भी लूज़ करें आप इसको एक कटोरी, छोटी कटोरी जो है वो आप ले सकते हैं बगैर शुगर के। उसके बाद ये आपकी बॉडी के, आप इसको एज अ मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। आप दही में, हर किसी की अपनी स्किन का डिपेंड करता है कि किसको क्या चीज़ ज़्यादा सूट करती है। आप योगर्ट में थोड़ा सा हल टर्मेरिक पाउडर डालें, आप उसमें या तो बेसन डालें, आप उसका बेस जो है मास्क लगा के अपने 15 मिनट जो छोड़ दें उसे साफ़ पानी से धो लें, या किसी को ग्लो करेगा। और अगर आपके पिंपल्स हैं उनको भी ये ख़त्म करेंगे। 6 है हनी जो है वो एज अ मॉइस्चराइज़र जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। हनी को अगर आप दही में डाल के यूज़ करें या हनी का कोई मास्क लगाएं किसी भी चीज़ के साथ जो आपके फेस को सूट करता है, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं होना, ये ड्राई होने की वजह से अक्सर स्किन जो है वो जगह जगह से ऐसे लगता है कि जैसे रेड हो रही है। आप हनी को जो है वो दही में डाल के, किसी भी चीज़ में डाल के इसका मास्क यूज़ करें। आप इसको खानों में यूज़ करें, और उसके बाद खानों में भी इस तरह यूज़ करना है कि आपका वेट गेन ना हो। आपकी बॉडी को ये जिस तरह भी सूट करता है, आप उसकी थोड़ी क्वांटिटी है वो अपने फूड में ऐड करें। किसी भी चीज़ पे आप डाल लें, अगर कोई पोरेज खा रहे हैं तो उसमें हल्का सा डाल लें, अगर कई लोग चाय में डाल के शहद पीना पसंद करते हैं तो आप उसमें डालें, तो ये आपकी बॉडी और आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन को ग्लो करेगा, आपकी स्किन का कलर जो है उसको इन्हेंस करेगा, साफ करेगा। तो ये एज अ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ की जाती है और ये बहुत अच्छी है स्किन के लिए। अब ब्लूबेरीज ने जो है, नंबर 7 है ब्लूबेरीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये है कि इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपने स्किन फ्रेश करनी है अपनी डाइट के अंदर ये फूड्स आप ऐड कर सकते हैं, और इनकी क्वांटिटी थोड़ी लेकर अपना वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं और अपनी स्किन को फ्रेश एंड ग्लोइंग करेंगे। ब्लूबेरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में एंटी ऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो आपकी फेस को, आपकी स्किन को, आपकी पूरी बॉडी की स्किन को जो है वो बहुत ग्लोइंग करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, और आपका वेट भी रिड्यूस होगा, यानी कि आपका वेट गेन होगा इन चीज़ों से। आप इनको एक मिकदार में अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है नंबर 8 ऑरेंज। ऑरेंज तो वैसे ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है माल्टा जो है, और वेदर के जैसे भी आजकल सर्दियां हैं तो आप ऑरेंज का इंटेक करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, और स्किन के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपकी स्किन ग्लोइंग फ्रेश रखना चाहते हैं तो ऑरेंज का इंटेक करें, ऑरेंज जूस ले सकते हैं, ऑरेंज का इस्तेमाल करें आप। और इसके बाद आप इसके पील का मास्क भी बना के यूज़ कर सकते हैं, वो स्किन को फ्रेश करेगा, आपके पिंपल नहीं होंगे, रेडनेस नहीं होंगे, इसकी स्किन टाइट रहेगी। इसके अलावा आपको कोई प्रोडक्ट यूज़ करनी भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद है पोमेग्रेनेट अनार आपने लेना है। ये स्किन के, ये एक स्किन फ्रेंडली फूड है, इससे आपकी स्किन ग्लो करेगी, शाइनी करेगी, आपकी स्किन में थोड़ा सा रेडनेस होगी, उस तरह की रेडनेस नहीं जैसे अक्सर हमारी जो गाल हैं जो अक्सर हम खुद से पिंक करते हैं, आपकी नेचुरली पिंक होंगी पोमेग्रेनेट की। उसके लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, आप इसका इनटेक कर सकते हैं, इसके जूस को इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 10 है टमाटोस, टमाटर। टमाटर वैसे भी सब्जियां एज अ फल भी इस्तेमाल होता है और दूसरे खाने पकाने में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपने टमाटर इस्तेमाल करना है आप इसका मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। आप टमाटर लें, अगर आपने इसको एज अ स्क्रब यूज़ करना है तो थोड़ा सा शुगर डालें और उसको 3 से 4 मिनट तक अपने फेस पे अगर आप करेंगे तो जितने डेड स्किन सेल्स हैं वो आपकी चेहरे से साफ हो जाएंगे। और दूसरा, अगर आप इसको वैसे ही इंटेक करते हैं तो ये आपकी स्किन के अंदर जो है वो आपके ब्लड को बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन करेंगे, आपकी बॉडी साफ होगी, आपका कलर जो है वो नेचुरली साफ सुथरा दिखना शुरू हो जाएगा। टमाटर जो है वो आपकी बॉडी को सन डैमेज से बहुत ज़्यादा, जो सन की व्यू रेज होती हैं उनको आपकी बॉडी को डैमेज करने से भी रोकता है। कि जितना आप टमाटर का इस्तेमाल जो है अपने फूड में या वैसे ही उसका इंटेक की सलाद में ज़्यादा करेंगे। ग्रीन वेजेस में विटामिन ई, सी और ई बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, आप ग्रीन वेजेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कई लोगों को कुछ चीज़ें जो हैं ग्रीन सब्जियाँ वो सूट नहीं करती, जिनको सूट नहीं करती तो जो सूट करती है आप वो लें, स्पिंच लें, ग्रीन कलर की जितनी भी वेजेस का इस्तेमाल करें, आपकी बॉडी को फ्रेश फील करवाएगा और आपकी स्किन जो है और आपका स्टमक, जितना आपका स्टमक साफ होगा उतनी आपकी बॉडी, आपका फेस जो है वो उतना ग्लोइंग, स्किनी और शाइनी रहेगा। उसके बाद है बेल पेपर। बेल पेपर में स्किन हेल्थी विटामिन B6 और B9 मौजूद होता है जो आपकी स्किन को ग्लोइंग, शाइनी और आपकी स्किन के कलर को बहुत अच्छा करता है। तो आप इसका इस्तेमाल जितना अपने फूड में ज़्यादा करें, आप अपने सलाद में इसको डाल के ले सकते हैं, या फिर आप
किसी भी ऐसी फॉर्म में इसको ले सकते हैं, मीन्स इसको स्टीम करके उसे चिकन के साथ ले सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ आप जितना इसकी अपनी बॉडी में जो है विटामिन अपने पूरे करेंगे तो आपकी स्किन ग्लोइंग रहेगी। क्योंकि जब हमारी विटामिन बॉडी में कमी होना शुरू होता है तो हमारी स्किन डल होने लग जाती है, तो आप जितना इन चीज़ों से अपनी जो है अपने विटामिन पूरे करेंगे, मीन्स इसके कि आप बाहर से कोई विटामिन खरीदें तो आप नेचुरल चीज़ों से अपने जो है विटामिन अपनी बॉडी को। उसके बाद है फर्मेंटेड फूड। अब फर्मेंटेड फूड क्या है, आप पिकल ले सकते हैं, वो भी जो अपने घर में बनाए हुए, ऐसे नहीं जो बाहर से लें जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे ना हो, घर में बनाए हुए पिकल आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रॉ चीज़ यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिए। उसके बाद इसमें आप सोयाबीन प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन को ग्लोइंग हेल्थी शाइनी, और उसके बाद आपको सन डैमेज से भी कंट्रोल करेंगे, आपकी बॉडी में ऐसे विटामिन मिलेंगे जो आपको सन से डैमेज जो आपकी स्किन हो जाती है उसको भी वो भी नहीं। उसके बाद ये एंटी रिंकल्स जो है, अगर आपको फेस पे आपके फेस पे रिंकल्स होने लगे हैं तो ये फूड्स आपके स्किन से रिंकल्स को भी ख़त्म करेंगे, आप अपनी एज से ज़्यादा बड़े नहीं रहेंगे अगर ये आपकी फूड इंटेक करते हैं। उसके बाद है टर्मेरिक। टर्मेरिक पाउडर वैसे ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। टर्मेरिक जो है वो आप दूध में भी डाल के ले सकते हैं, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। दूसरा ये कि आप जो टर्मेरिक है आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी आप इसको फेस मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, और आपकी बॉडी में जितना आप इसे फूड में डाल के इनटेक करेंगे या आप दूध में डाल के इनटेक करेंगे तो ये आपकी बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग करेगा। दूसरा कोई भी अगर ज़ख्म हो जाता है बॉडी के अंदर तो उसको भी ये हेल्प करता है, अगर इसका अपनी एक मिकदार से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। उसके बाद आपने रॉ कोको इस्तेमाल करना, इसके अंदर भी सन से सन डैमेज को कंट्रोल करने, इसकी रेजेस आपकी स्किन को ख़राब ना करें, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा मिकदार में एंटी ऑक्सीडेंट मौजूद होता है जो आपकी बॉडी को बाकायदा नेचुरली सन ब्लॉक प्रोवाइड करता है, बॉडी को सन ब्लॉक प्रोवाइड करता है, जिससे आप जो है अगर बाहर निकल रहे हैं आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को सन डैमेज से भी आपकी स्किन को से ख़राब होने से एड होता है। उसके बाद है ओट्स। ओट्स तो वैसे ही वेट लूज करने के लिए या बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, इसे आप वेट खा के वेट भी लूज करते हैं। ये कि इसमें ऐसी विटामिन मौजूद होते हैं जो आपकी स्किन को टाइटनिंग कर देते हैं, यानी कि आपकी स्किन टाइट होगी, और दूसरा ये कि आपकी स्किन के अंदर जो रेडिकल डैमेज हो जाती है उसको भी ये कवर करेगी, आपकी स्किन जो नीट एंड क्लीन होनी शुरू हो जाएगी इसके इंटेक करने से, वेट भी लूज होगा, दूसरा आपकी स्किन भी फ्रेश होना शुरू हो जाएगी। ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल वैसे ही फूड्स के लिए वेट लूज करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। ऑलिव ऑयल के अगर आपने वेट लूज करना है या वैसे अगर आप वेट लूज नहीं भी करें मेंटेन भी करें तब भी आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपने फूड्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑलिव ऑयल में पकाएं, फ्रेश नेचुरल ऑलिव ऑयल होना चाहिए। उसके बाद यह है कि आपकी स्किन के लिए ओवरऑल बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, आपकी स्किन को अच्छा कर रहा है, कई लोग इसको एज अ मसाज के तौर भी यूज़ करते हैं, स्किन से मसाज करते हैं, पर ये डिपेंड करता है कि हर किसी के फेस पे या किसी के बॉडी पे सूट नहीं करता। तो ये 17 फूड्स थे जिनका आप अपनी फूड में अपनी डाइट में इंटेक करके अपनी स्किन को फ्रेश ग्लो और खूबसूरत रख सकते हैं कि आपको बाहर के किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। असल तो ज़रूर है कि हम कहते हैं बस हमें बाहर से फूड मिले पैकिंग फूड और हम खाएं, बस जिस वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाती है, हमें वो विटामिन मिलते ही नहीं है जो हमें सन स्क्रीन हमें स्किन सन को डैमेज होने से बचा सके, हमारी स्किन को हमें हम वक्त से पहले हमारे फेस पे रिंकल होना शुरू हो जाते हैं, हमारी स्किन जो एक्चुअल ग्लोइंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये फूड अगर आप इंटेक करेंगे दूसरा ये कि आपको सन एज ए सन ब्लॉक की बॉडी के अंदर मौजूद होगा, सारे विटामिन आपकी बॉडी में देंगे जो जो आपकी स्किन को नीड होंगे, इससे आपकी स्किन ग्लोइंग प्रेशर खूबसूरत रहे। इस तरह की बहुत सी वीडियोस देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी कर सकते हैं डाइट के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, स्किन के हवाले से, हेयर के हवाले से, और आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह।